नमस्ते दोस्तों, ये जैसा आप देख पा रहे हैं हम आज एक ये सिंगल स्पीकर टॉप बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक 12 इंची का होल कर दिया है। और जैसा आप देख पा रहे हैं हमने इसमें एक एयर पास भी दे दिया है। और इसकी प्लाई की मोटाई आप देख सकते हैं, हमने 18 mm ली है, जो कि नॉर्मली स्पीकर बॉक्स के लिए बेस्ट है। और इसमें अभी हैंडल के ब्लॉक कटने बाकी हैं और दूसरे के हम अभी काट रहे हैं। ये जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारी जिग्सा मशीन है, इसी से हम स्पीकर का ब्लॉक और ये हैंडल का ब्लॉक काटते हैं। और इसकी जो जाली है वो हमने ये वाली यूज़ की है, थोड़ा लंबी आती है तो हमने ये काट करके रखी है। इसमें से ये दोनों जाली एक ही साथ पड़ी हैं। और ये जो आप इसके हैंडल देख रहे हैं वो इसमें कुछ इस तरीके से सेट होंगे। उससे पहले इस पर कलर होगा, तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं हमने इन बॉक्स पर कलर कर दिया है। और जो कलर हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नाइट के टाइम, क्योंकि सुबह हमें ये तैयार मिलेंगे बॉक्स अपने स्पीकर कसने के लिए, और जाली वगैरह कंप्लीट हैंडल लगा करके हम सुबह कस्टमर को दे सकते हैं। तो इस वजह से हमने इस पर नाइट में कलर किया है। कलर अपना वही है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं स्पीकर बॉक्स पर। तो ये हमारे कलर सुबह तक सूख कर तैयार हो जाएगा, बाकी की फिटिंग हम मॉर्निंग में शूट करेंगे। तो दोस्तों, हम जो 100-100 वाट के कैबिनेट बना रहे थे वो हमारे बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और उसमें हमने जो स्पीकर लगाए हैं वो हमारे ये हैं ऊजा के AS12X100। ये आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल ऊजा है 100 वाट। और हमारे कैबिनेट जो हम बना रहे थे वो कुछ बन के इस तरीके से तैयार हैं। और ये एम्पलीफायर फ़िलहाल हमने अपने लास्ट वीडियो इसी का है ये हमने तैयार किया है, तो हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। इसमें एक अनकॉपीराइट सॉन्ग प्ले करेंगे हम। ये बहुत ही लाउड है क्योंकि इसमें ओरिजिनल ऊजा लगे हुए हैं। आप इस पर मैक्सिमम 200-200 वॉट के स्पीकर लगा सकते हैं। और ये कैबिनेट जो आप देख रहे हैं बहुत ही हैवी प्लाई से बने हैं, तो इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप 500 वॉट तक भी स्पीकर यूज़ करते हैं। इसमें ग्रिल फुल लगी हुई हैं और ग्रिल भी थोड़ी हैवी है, तो ये हमारे वाइब्रेट नहीं होगी और डिस्टर्बेंस साउंड क्रिएट नहीं करेगी। इसमें कंप्लीट हैंडल वगैरह जो भी हैं हमने JBL के यूज़ किए हैं। जाली भी JBL की है, ये थोड़ा लंबी आती है 35 इंची समथिंग, तो हमने इसको काट करके इसके हिसाब से लगा दिया है। और ये हैंडल आप देख सकते हैं JBL के ओरिजिनल हैंडल हैं, बहुत ही हैवी हैं। ये हमारा काम बिल्कुल A1 होता है क्योंकि हम मशीनों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, हम सारा का सारा काम अपने हाथ से करते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। धन्यवाद।